नमस्ते जी, नमस्ते अंकल जी, झूले। ओ तेरी मम्मी दादी, ओ ओ ओ मम्मी, ओ ओ ये वाला थाली पीले, कुछ बेसन का बनता ही है ना, गंदा गंदा जो मांस है तो उसको खाती ही है। बस अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ अंदर बनती है बोला महाराष्ट्रियन थाली, तो देखते हैं। जो हमने खाई वो यहीं से इस वाले सेक्शन से आई थी अंदर, तो यहाँ चलते हैं। ये गणपति बप्पा जी, जय गणपति बप्पा। और यहाँ पर अंदर से आई थी वो पाटिलवाड़ा लिखा है यहाँ पे। ये यह पूरा ट्रेडिशनल है यहाँ पर, ये देखिए पुराने पुराने पहिए भी है यहाँ। और यहाँ की कढ़ाई दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ कढ़ाई, वाओ कितनी बड़ी कढ़ाई है ये। यहाँ पर पूरा ट्रेडिशनल है, यहाँ पर देखो ट्रेडिशनल झूले भी हैं यहाँ पे, सारा बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है यहाँ पे पूरा जो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल है ना, यहाँ पे पूरा ट्रेडिशन यहाँ पर दर्शाया गया इस छोटे से इसमें। यहाँ पर देखिए जैसे ये सिलबट्टा चटनी पीसने के लिए, और ये क्या बोलते इसको करने के लिए है ना, ये वो पूरा धान के लिए। और यहाँ पर एक तरफ बन रही है, यहाँ पे दीदी बना रहे हैं बाजरे की रोटी, और यहाँ पर बन रही है वो जो हमने खाई थी। ये क्या दीदी, ये वाला थाली पीले, कुछ बेसन का बनता ही है ना। हाँ तो ये भी देखिए बहुत सुंदर है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये वाला खा के। यहाँ पर पूरा जो यहाँ की संस्कृति उसको दर्शाया गया है। ये देखिए पुरानी जैसे बैलगाड़ी जिसे बोल सकते हैं कि सामान ले जाने के लिए ऐसी ऐसी होती थी, तो ये देखिए पुरानी पहिए वाली बैलगाड़ी, बहुत सुंदर है ये है ना मामा, बहुत अच्छी है ये। यहाँ पर पुराने जो ट्रेडिशनल बेड वगैरह, इसका पूरा ट्रेडिशनल लुक दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए पुराने बेडिंग की है सारी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है ये। झूले भी है, अब बस इस झूले पे हम झूलते हैं थोड़ी देर। ये होटल इतना सुंदर है ना दोस्तों, देखिए काफी बड़ा है यहाँ पर अंदर खाने के अरेंजमेंट्स, और साथ में यहाँ देखिए इतना ब्यूटीफुल पॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर जगह पे है ये होटल, बहुत अच्छा लगा। चलो एक अच्छी जगह, मस्ट विजिट प्लेस है ये। One hour later. यहाँ पर जैसे जो घड़े वगैरह बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, उनको कुम्भार बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये प्रॉपर घड़े वगैरह बना रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते अंकल जी, झूले। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी की नकाशी की गई है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सुंदर, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए हैं यहाँ पर। पुरानी लालटेन, देखो पुरानी वाली लालटेन, जंग भी लग गया इसमें कि यह कितना पुराना सामान है यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे, आधा से ज्यादा तो मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा है, बट मुझे एक चीज अच्छी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीशा, ये देखिए, ये मैं हूँ और ये डिजाइन। बहुत ही एंटिक पीस है ये, बहुत पुराना पुराना सामान है ये। यहाँ पर है राजस्थानी कठपुतली, ये देखिए नीचे। अभी यहाँ पर मम्मी और बीपू बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा कठपुतली का डांस भी देख लेते हैं, अब आए हैं तो चलिए थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे इन पे और यहाँ पर इस डांस का एंजॉय करेंगे, है ना मम्मा, एक्साइटेड? यस चलो। कमर देखो, हाय हाय कमर। ये कठपुतली डांस, राजस्थानी कठपुतली डांस। Hey, hey.
बोले अंकल कब नाचेंगे, आंटी रुक ही नहीं रही है, आंटी बोल रही है मैं ही नाचूंगी मैं ही नाचूंगी मैं ही नाचूंगी। A few minutes later. है नागिन डांस। ओहो अंकल यार मेरा तो पोपट बन गया था। ओ भाई भैया डरा दिया। ओ ये था सबसे खतरनाक, तो मर गई थी मैं। अब चले गए, अब कौन आएगा नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग ही नाचना ना पड़े। ऐसे करो ये, बहुत बड़े अंकल जी मजा आ गया, सच में बहुत मजा आ गया। मैडम ढोल बजाता हूँ डांस करने का। हाँ पक्का पक्का हम करेंगे भैया, ढोल बजाएंगे और हम सब डांस करेंगे। भैया आपका शुभ नाम क्या है? राजू भट्ट मैडम। हाँ जी आप राजस्थान से? राजस्थानी मैडम। और ये जो कठपुतली डांस वगैरह इसका आप थोड़ा सा बताओगे? मैडम ये हम लोगों के खानदानी काम है मैडम। हाँ जी हमारे बाप दादा भी हम लोगों को ये कठपुतली है पंजाबी ढोल वगैरह ये बजाने का हम लोगों का काम है मैडम। अच्छा जी। जैसे लकड़ी का मूर्ति आर्टिस्ट कलाकार हूँ लकड़ी का। हाँ जी। लकड़ी का पत्थर का मूर्ति बनाता हूँ, जैसे भी मैं घोड़े हरण है। हाँ जी। नाच के जैसे कपड़े लगते हैं सब काम करता हूँ मैडम। हाँ जी। अच्छा तो ये आप शादियों में भी करवाते हैं कठपुतली? करते हैं, गाना बजाने का भी काम करते हैं हम लोग। हाँ जी। और कठपुतली का डांस भी दिखाते हैं, डांस करते हैं। बहुत मजा आ गया। और बस जो नागिन डांस करते करते एकदम से जो नाग आया ना मैं तो डर गई थी वो सबसे खतरनाक था। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया। आप लोगों मैनेजर के लिए मैडम बैठे हुए। हाँ बहुत मजा आ गया, दिल खुश हो गया हमारा तो। ठीक है भैया थैंक यू। अभी डांस कर करके हम थक गए, अब हम बोल रहे हैं कि अब थोड़ा अपने पैरों की मसाज करा लेते हैं, तो हम जा रहे हैं फिश स्पा करने, है ना मामा? तो बस अब फिश स्पा करवाएंगे। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ। कैसे लग रहा है? ये खाते वो गंदी मांस नहीं होता जहाँ पर गंदा 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 जो मांस होता उसको खाती है। ये सुपर डुपर एक्साइटेड।
रहा है। एक्चुअली में हमने ना एक्चुअली में हमने ना फिश स्पा किया था गोवा में, तो मैंने सोचा मम्मी ने फिश स्पा नहीं किया, मम्मी को भी फिश स्पा कराते ऐसे उंगलियों खोलो, उंगलियों के बीच में आती है हाँ बस मम्मी बोल रहे है, बोला तेरे पैरों में ज्यादा लगी है, इसलिए मम्मी मेरे साथ खेल रही है मम्मी देखो लो ये गुल ये सारा मैं। One hour later. हमने डिसाइड किया कि हम ये VR एक्सपीरियंस रोलर कोस्टर ये वाला एक्सपीरियंस करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। तो मैं इनमें से कर रही हूँ मैं ये सीक्रेट रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा मैं एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती इस चीज को। भैया अभी रेडी कर रहे हैं इसको, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये सारा स्टैंडिंग में करना, पहले मैं करूंगी उसके बाद बिप्पू करेंगे इसको। मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? हाँ। ओ तेरी मम्मी दादी ओ, 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 मम्मी ओ, 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 ओ। यार मैं तो गिर गई, स्लो चलूंगी मैं, धीरे नहीं चलूंगी। झरना ओ, ओ, ओ मम्मी जय माता दी ओ जय माता दी। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगी ऐसे। भैया रोको मुझे, मम्मी मम्मी गिरो मत ना। भैया पर बहुत डर लग रहा है मुझे तो, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा मेरा टाइम, प्लीज खत्म कर दो इसको। मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगी, ये पूरा करना पड़ता है, हैं? टाइम है। यस विपु कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो 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 ज्यादा स्पीड में मत चलना, एक्सीडेंट हो सकता है। गुड 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 गुड। यार इसको ये यार इस विपु को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भैया इसके पीछे बैठ जाओ, पर चला गिर गए। यस यस थोड़ा सा हाँ, तो वो चढ़ाई आ गई ना ऊपर, अंधेरी गुफाई है? अंधेरी गुफा। रुक जाओ यार मैं इससे गिर ही जा रहा हूँ। गुड 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 गुड। ये हमारे ड्राइवर भैया देखो हमारे विपुल को भी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा बोले इनको पूरा सही सलामत घर पहुंचाऊंगा, हॉस्टल इज सॉरी होटल। यूहू यस 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 यस। डर लग रहा है? ओ देखना धीरे से एक्सीडेंट हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी हो रहे हैं रिलैक्स बोलते तुम लोग वाला वो VR कर लो और मैं यहाँ पे रिलैक्स करती हूँ। है मम्मा रिलैक्सिंग है? क्या लगा यहाँ? यहाँ क्या है? अच्छा यहाँ पर पूरा दिखा रहे हैं। अच्छा है हम यहाँ पहुंचे, हम पहुंचे और उतने को लाइट ही चली गई। भैया कैसे आंसर है? भैया खुश हो रहे हैं बोला लाइट गई, मम्मी भी नहीं उठेंगे तब तक जब तक पूरा नहीं होगा। फाइनली लाइट आ गई, बढ़िया। मम्मी का पैर पता नहीं कहाँ जा रहा है। लाइट आ गई फाइनली। अभी बचे हैं हमारे को कितने मिनट, कुछ मिनट्स बचे हैं, देखते हैं। अभी शुरू हो रहा है क्या मम्मा? अच्छा उठना ही था। तो दोस्तों अभी हमारा लंच भी हो गया, आज आपने देखा त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके बाद देखा हमने अंजनी
अंजनी माता का मंदिर और देखा हमने मुक्ति धाम। तो आज हमने ये तीन प्लेसेस कवर किए। तो बस अभी हम जाने की सोच रहे हैं पंचवटी, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, विच इज बकी पहाड़ एंड प्रियंका राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।